है दक्षिणेश्वर टेम्पल का मेन जो टेम्पल है वो दक्षिणेश्वर मंदिर का मेन टेम्पल वो है। सभी बिल्डिंग को डिफरेंट डिफरेंट लाइट से रंगा गया है। ये देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, यहाँ पर एक डिफरेंट लुक्स दिया गया है। ये है मंदिर का एंट्री, ये मंदिर की एंट्री, लोग सब एंट्री और देख सकते हो लाइन लगा के, यहाँ से लोग लाइन लगा के उस तरफ से लाइन लगा कर अंदर जा रहा है। बट और ये साइड में जो छोटे छोटे मंदिर, ये भी बड़े मंदिर है। ये जो मंदिर आप देख रहे हो ये शिव जी का मंदिर है, जय काली माता की। तो दोस्तों कार पार्किंग में बाइक को लगाने के बाद ऑलरेडी मैं आज जा रहा हूँ दक्षिणेश्वर टेम्पल का इनसाइट का स्टोरी दिखाने के लिए। अभी शाम के 7 बजे है और आप देख सकते हो क्या खूबसूरत सा ये नज़ारा है पूरा। जस्ट लुक एट द सीन। ओके, यहाँ पर एंट्री एग्जिट का डिफरेंट डिफरेंट वे है। यहाँ पर दिस इज़ द एंट्री, ये जाने का जगह है और ये बाहर जाने का एग्जिट का रास्ता है। तो ये मैं जा रहा हूँ दक्षिणेश्वर टेम्पल के अंदर। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी। शाम का 7 बजे है, आज है काली पूजा का दिन। बहुत ही यू नो जस्ट लाइक जो काली भक्त है उन लोगों के लिए बहुत ही खास दिन है। लुक्स सो गुड, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, आप देख सकते हो पूरा एक मेला जैसा माहौल है यहाँ पर। व्हाट अ ब्यूटीफुल, यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग का भी, यस ये थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है यहाँ पर। That's good for the security. Okay, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दक्षिणेश्वर मंदिर गए, यहाँ पर क्या सिनेमा का सब, बस जूता चप्पल मोबाइल सब रखने का ये जगह है शायद। भैया किस चीज़ का लाइन है, किस चीज़ का लाइन? जूता और उसके साथ आपका मोबाइल फोन। अच्छा अच्छा, मोबाइल लेकर अंदर नहीं जा सकते। ओके, सो ये जूता मोबाइल रखने बैग रखने का ये जगह है, रखकर आप प्रोटेक्टेडली सेफली यहाँ पर रख के अब अंदर जा सकते हो। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया जाइंट स्किन भी है, दूर दिखाई दे रहा है जाइंट स्किन, वहाँ से अंदर का जो पूजा का सीन वो दिखाई दे रहा है। कोविड के न्यू नॉर्मल में दक्षिणेश्वर टेम्पल में सिर्फ 10 जन ही एंट्री मिल रही है। मंदिर का पूरा सीन आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये देख सकते हो वो जो पीछे का सीन देखो, वो है दक्षिणेश्वर टेम्पल का मेन जो टेम्पल है, वो दक्षिणेश्वर मंदिर का मेन टेम्पल वो है। बट वहाँ पर जाने के लिए इस रास्ते से जा सकते हो, दिस इज़ द एंट्री। बट वहाँ पर सिर्फ 10 जन करके एंट्री मिल रहा है, सभी को ऐसे ही अंदर जाने का परमिशन नहीं है। सो मैं पूरा सीन को, एम्बियंस को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर एम्बियंस को देखना एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस होता है काली पूजा के दिन में। तगड़ा सिक्योरिटी है चारों तरफ, लाइट, बहुत बढ़िया सा सिक्योरिटी पॉइंट, सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। पुलिस एकदम चको चौंग, सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, सब कुछ है। ओके, दिस इज द, देखो ये है जाइंट स्किन, एकदम अंदर का पूजा का सीन आप यहाँ पर आप देख सकते हो। ये जाइंट स्किन में एकदम लाइव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपको तो वैसे पता हर सभी आप अंदर नहीं जा सकते हो, तो या बाहर में ही खड़े होकर आप माँ का जो पूजा चल रहा है पूरा लाइव आप देख सकते हो। यह जाइंट स्क्रीन में चल रहा है, दिस इज़ द कंप्लीट एम्बियंस ऑफ दक्षिणेश्वर टेम्पल। वाह, व्हाट अ ब्यूटी, ऊपर भी ऐसे दिखाई दे रहा है। ओके, चलो हम अभी और भी देखेंगे, और भी दक्षिणेश्वर टेम्पल का सीन थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। सभी बिल्डिंग को डिफरेंट डिफरेंट लाइट से रंगा गया है। ये देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, यहाँ पर एक डिफरेंट लुक्स दिया गया है, गेट में एक डिफरेंट लुक्स दिया गया है, हर जगह पे एक डिफरेंट डिफरेंट लुक्स यहाँ पर दिया गया है। यहाँ का सीन देखो, यहाँ पर भी एक स्टैचू टाइप ऑफ किया गया है वहाँ पर स्वामी जी और दूसरे मॉन्क का शायद। दिस इज़ द एंट्री। आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से, यहाँ पर पूरा पूजा अर्चना का लाइव दिखाई दे रहा है आपको। यह है मंदिर का एंट्री, ये मंदिर की एंट्री, लोग सब एंट्री और देख सकते हो लाइन लगा के, यहाँ से लोग लाइन लगा के उस तरफ से लाइन लगाकर
अंदर जा रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर जाऊंगा तो मेरा ये कैमरा भाई सब को वहाँ पर रखना है, मोबाइल को रखना है, सब कुछ रख कर आपको एंट्री मिलेगा। बट ये सोच रहा गोपड़ों को रख कर किसी एक काउंटर में रख कर जाने का तो इच्छा नहीं है। एंड दिस इज़ द एग्ज़िट, मंदिर को देखने के बाद यहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हो। ओके, एंड बहुत ही एक यू नो दिस इज लिखा हुआ है वे आउट, एंड बहुत ही टाइट सिक्योरिटी आपको यहाँ पर दिखाई गया, एंड फॉर हेल्पिंग द पीपल, बहुत लोग यहाँ पर आए हैं, सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही टाइट है। कितना खूबसूरत सा लाइट लगा कर दक्षिणेश्वर को सजाया गया है। अगर आप थोड़ा सा इस तरफ जाओगे यू विल फाइंड गंगा, गंगा नदी को आप देख सकोगे रिवर गंगा, बिकॉज एकदम गंगा का ठीक एकदम पास में ही ये दक्षिणेश्वर टेम्पल को तैयार किया गया है। बहुत ही फेमस है, दुनिया में बहुत ही फेमस टेम्पल है, और हम लोग बहुत लकी हैं, हम लोग जो कोलकाता में रहते हैं वी आर सो लकी। मेरा घर से दक्षिणेश्वर टेम्पल आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा टाइम लगता है, पर दुनिया भर से जो हिंदू सनातन धर्म का मानने वाले लोग हैं दक्षिणेश्वर आते हैं। ये देख सकते, ये इस वो दिखाई दे रहा है गंगा रिवर, यहाँ से आपको शायद इतना क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, ये पूरा सीन ये पूरा गंगा रिवर है। तो चलिए थोड़ा सा पास से ही जाते हैं, और ये साइट में जो छोटे छोटे मंदिर, ये भी बड़े मंदिर है, ये जो मंदिर आप देख रहे हो ये शिव जी का मंदिर है, चारों तरफ शिव जी का भी मंदिर चारों तरफ, इसको भी सजाया गया है फॉर द दिवाली स्पेशल, काली पूजा स्पेशल। ओके, इस तरफ है मंदिर, ये गार्डन, और इसके पीछे है रिवर गंगा, और दूर वहाँ दिखाई दे रहा है बाली ब्रिज। ओके, सो चलो और भी थोड़ा सा पास से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, तो सुंदर लग रहा है। फर्स्ट बिल कोनो कोई क्या और हाथी नो शेक है। বহুত গাই অন দৌড় দিয়ে টিভি রাখ দুই টাইম দৌড়ে দৌড়ে এসে বেড়ে দাম মাদের সঙ্গে এসে গঙ্গায় জল নিয়ে দৌড়ে চলে যেত। তো ইয়ে আমলোক আ চুকে হ্যাঁ রিভার ঘাট, ইয়ে হ্যাঁ গঙ্গা রিভার ঘাট, দিস ইজ দ্য গঙ্গা রিভার ঘাট, ও হ্যাঁ বালি ব্রিজ, আর ইয়ে দক্ষিণেশ্বর টেম্পল কা एंट्री। ये एंट्री अभी बंद हो चुका है, बचपन में जब हम लोग जब मम्मी के साथ आते हैं तो ये दिस वन एंट्री वॉज ओपन, ये बस सीधा मंदिर का एंट्री है। दिस इज द नदी गंगा रिवर। तो चलिए पास से थोड़ा सा नीचे जाकर भी आपको दिखा दे, लोग देख सकते बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, दे आर स्पेंडिंग वेरी गुड टाइम ओवर हियर। वाओ, जस्ट लुक एट द एम्बियंस, दिवाली का मतलब है लाइट। क्यों दिया जलाया जाता है? क्योंकि ये अंधकार को दूर करके लाइट में उजाला लाते हैं, सो इसीलिए गंगा पार सब लोग देख सकते हो कैंडल्स दिए धूप जला के सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली। क्या खूबसूरत, हाँ हाँ थैंक यू भैया। तो मुझको भी मिल गया एक कैंडल, इसको मैं थोड़ा सा जला लेता हूँ दोनों को। इसको एक एक करके मैं भी जय काली माता की, सबको अच्छा रखना, सबको खुश रखना, और हर किसी के लाइफ का जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर देना, और मेरा यूट्यूब चैनल को भी ऐसा ग्रो कर देना। तो ये देख सकते हो बहुत ऐसे छोटे छोटे जगह पे बच्चे सभी बड़े सभी मिलकर सेलिब्रेट कर रहा है। जस्ट लुक एट द सीन, ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल, जस्ट लुक एट द सीन। पूरा ये सामने है दक्षिणेश्वर मंदिर, पीछे आपको मंदिर का एकदम ऊपर का सीन दिखाई दे रहा है, और ये है रिवर घाट गंगा नदी, और ये है रिवर गंगा, और वो है बाली ब्रिज का सीन। ये मंदिर का दूसरा साइड में ये है स्टॉल, अगर आप प्रसाद प्रसाद लेना चाहते हो पूजा देने के लिए तो यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर पूरा एकदम
ये पूरा जो बिल्डिंग है यहाँ पर प्रसाद का, ये बिल्डिंग यहाँ पर रखा हुआ है। तो पूजा देने के लिए ये ऐसे ऐसे काउंटर बहुत सारे हैं। आप प्रसाद देखिए, ये डाला कितने का है भैया? हाँ, स्टार्टिंग कितने से? 21 से। और हाईएस्ट कितना है आपका? जो मर्जी, हाईएस्ट आपको मर्जी। अच्छा, 1500 कुछ भी। ओके, 21 रुपए से आपका पेड़ा शुरू होता है। ये पेड़ा दे रहे हैं और के फूल दे रहे हो, राइट? फूल नहीं। अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं, ये पूरा ये बिल्डिंग है पूरा प्रसाद के लिए। अब जरा घूम घूम के दिखाता हूँ। यहाँ पर काउंटर नंबर, स्टॉल नंबर सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पेड़ा डिफरेंट टेस्ट का पेड़ा आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, लुक एट द सीन। ये सब है पेड़ा। पेड़ा के साथ ये सब भी आप ले सकते हो। चेड़ी है हाथ में लगाने के लिए, कुछ चीज़ है। ये काउंटर नंबर 10, 11, 12, चारों तरफ काउंटर्स है। ओके, ये सब डाला है। लेट शो यू, दिस इज़ द डाला। यहाँ पर डाला में ये चीज़ आपको मिल सकता है। मुझे डाला में क्या क्या रहता है इन जनरल? 400, 500, 300, 150। ओके, क्या एक 100 रुपए का डाला में क्या क्या रहता है ऑलमोस्ट? ये वाला 20 पीस मिठाई है। ओके, ये पेड़ा 20 पीस, ये सब पेड़ा बोला जाता है, पेड़ा 20 पीस रहता है मिठाई। और क्या रहता है वहाँ पर? और मंगल घाट सुतो ये सब चाहिए। अच्छा, पूजा के लिए जो चाहिए। ओके, थैंक यू। ये देखो भैया का ये दुकान है, 10 नंबर स्टॉल है। पर बहुत सारे, कितने स्टॉल्स है भैया टोटल? 58 स्टॉल्स है। 50 बाई गया पता, ये अच्छा से इन्फॉर्मेशन दे दिया। 58 स्टॉल, सभी स्टॉल खुला रहता है क्या? ना, एक दिन आज के हमार। ओके, ये ऑड इवेंट का फॉर्मूला है डेली में। अच्छा, दूरत्व बजाय। ओके, डिस्टेंस के लिए। ओके, हर स्टॉल आपको यहाँ पर खुला नहीं रहता है, कुछ दिन ये स्टॉल, कुछ दिन वो स्टॉल। ये स्टॉल को अगर क्रॉस करोगे, क्रॉस करने के बाद आपको मिलेगा दूसरा साइड, दिस इज द साइड ऑफ देयर। यहाँ पर आपको खरीदारी करने के लिए बहुत सारे चीज़ आपको मिल सकता है। चलो, यहाँ का क्या क्या खरीदारी आप कर सकते हो अभी आपको अंदर जाके दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, अगर कुछ मंदिर में आओगे, कुछ खरीदारी करना है, यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हो। तो भैया, क्या क्या आइटम यहाँ पर मिल सकते हैं आपको? यहाँ पर शंका है, चौबी है, पीतल का माल है। अच्छा, कन्या फोटो है। ओके, तो माँ का फोटो भी है ना? माँ का फोटो का दाम कितना है यहाँ पर? 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 20 रुपये से स्टार्ट है, उससे ऊपर जितना कुछ है। ये शाखा से ओरिजिनल शाखा है? ओके, जो बंगाली लोग हैं तो शाखा यहाँ से ही खरीदते हैं। इसके बाद दीघा में भी दीघा शाखा का बहुत ज़्यादा कलेक्शन पर यहाँ पर ज़्यादा सस्ता होता है इन जनरल। स्टार्टिंग कितना है शाखा का प्राइस? 100 से शुरू होता है, बहुत ही सस्ता है। ओके, और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत कुछ फेंगशुई का भी, वास्तु का भी चीज़ है। कछुआ है, इसका दाम कितना है भैया? 50। ओके, अगर आपका लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का पर्ची यहाँ पर रख कर आपको रख सकते हो। ये कछुआ बाबा उसको दूर कर देता है। और शिव जी का भी बहुत शिवलिंग है। ये ओरिजिनल पत्थर से तो नहीं है? ओरिजिनल पत्थर से है शिवलिंग। शिवलिंग का दाम कितना है भैया? ओरिजिनल का 100 रुपये से शुरू है। 100 रुपये से स्टार्ट होता है ओरिजिनल। ओके, फाइन, 100 रुपये से शिवलिंग शुरू होता है यहाँ पर। यहाँ पर देखो शिवलिंग है, कितने सारे डिफरेंट शिवलिंग है। ये किस चीज़ का शिवलिंग है भैया? यहाँ पर देखो कितना सारा शिवलिंग है, सिंदूर है, हाथ में पहनने के लिए बैंड है। ये सब कुछ आप जैसे लगे अगर बिंग टूरिस्ट सब आ रहे हो दक्षिणेश्वर में, ये सब खरीद कर सकते हो। पूजा का बहुत सामान यहाँ पर मिलता है, पीतल का चीज़ है, स्टील का चीज़ है। ओके, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर इन जनरल पूरा खचाखच भरा रहता है, बट आज ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुका है। 8:30 बजने के बाद ये सब पैकअप चल रहा है। देख सकते हो ये सब भैया लोग पैकअप कर रहे हैं। थोड़ा सा घूम घूम के दिखाता हूँ। यहाँ पर खाने का भी बहुत दुकान इन जनरल मिल जाता है। ये चंदन, यहाँ पर चंदन, ये ओरिजिनल चंदन है भैया? ये दाम कितना है? 60 रुपये। ओके, हाँ, साइज हिसाब का है। ओके, साइज हिसाब का 60 रुपये से दाम शुरू होता है। चंदन है और जस्ट लाइक भगवान को पर चंदन चढ़ाते हैं ना, ये चंदन को घिस घिस कर, चंदन का जो ऊड है घिस घिस कर आपको यहाँ से निकलना पड़ता है। कितने बजे भैया खोलते हैं आप लोग दुकान? हम लोग खोलते हैं 6:30 बजे सुबह 6:30 बजे। बाप रे, और क्लोजिंग टाइम कितना है? क्लोज 7 बजे। ओके, 7:30 बजे। ओके भाई, अगर आप दक्षिणेश्वर में आ रहे हैं कुछ खरीदारी करने, टाइम थोड़ा सा फिक्स कर लेना। ये जो जो शॉपिंग करने की जगह है, तो सुबह 6:30 बजे से
शाम को 7 बजे तक आपको ये दुकान खुला रहता है, ये सब दुकान आपको यहाँ पर देख कर आप चीज़ खरीद सकते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है। बट फॉर्चुनेटली आज काली पूजा है इसीलिए आया हूँ, काली पूजा के लिए थोड़ा सा लेट लेट भैया लोग बंद कर रहे हैं। बहुत सारे काली ठाकुर का देख सकते हो स्टैचूज है, लॉट ऑफ स्टैचूज ऑफ माँ काली, गणेश जी, लोकनाथ, श्री कृष्ण, ओके हनुमान जी, ओके नारायण, लक्ष्मी, काली का बहुत सारे स्टैचूज यहाँ पर है एज पर योर रिक्वायरमेंट। जिस भगवान को आप ज़्यादा प्यार करते हो उसका आप स्टैचू ले सकते हो। ओके दिस इज द थिंग्स। तो यू नो दिवाली के दिन, काली पूजा के दिन दक्षिणेश्वर का टूर करना एक इटसेल्फ बहुत ही यू नो गुड एक्सपेरिमेंट है। तो दोस्तों ये था पूरा दक्षिणेश्वर का ट्रिप दिवाली के दिन में, काली पूजा के दिन में। इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट 1 घंटा मैंने यहाँ पर स्पेंड किया। आप देख सकते हो पूरा खचाखच भरा हुआ भीड़ है। व्हाट अ ब्यूटीफुल एम्बियंस इट इज। दक्षिणेश्वर का टेंपल, लाइव टेलीकास्ट ऑफ दक्षिणेश्वर का मंदिर का पूजा, मैं हूँ आपके दर्शन के लिए एप्पल आया हूँ। सो दोस्तों ये था पूरा सीन दक्षिणेश्वर का, होप सो यू एंजॉयड द व्लॉग। अगर इस व्लॉग को अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और डोंट फॉरगेट टू हिट द क्या बटन, लाइक बटन, और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर करके दक्षिणेश्वर माता जी के लिए थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दक्षिणेश्वर का एक बहुत ही खास एंड बहुत ही बढ़िया इवनिंग स्पेंड करने के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ। होप सो यू हैव एंजॉयड द व्लॉग। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।